हेलो स्टूडेंट्स आई एम अजय कुमार योर मैथमेटिक्स टीचर नाउ वी आर सॉल्विंग डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन इन्वर्स फंक्शन वी ऑलरेडी स्टडीड इन लास्ट चैप्टर तो किस प्रकार से इन्वर्स फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन से उसी को यहाँ यूज कर रहे हैं क्योंकि तो अगर जैसे क्वेश्चन है सपोज दैट ये आपका क्वेश्चन एन सी आर टी फाइव पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर नाइन राइट अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन अगर ये दिया हुआ है कि वर्स टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर इसको सीधे हम डिफ्रेंशिएट करें तो एक तो यह है कि यहाँ पर आएगा चेन रूल तो पहले साइन वर्स एक्स करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन ठीक है साइन वर्स इसका फार्मूला हमें पता है लिखवाया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे डिवाइड uh, रूल तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा वैसे मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको सॉल्व करके इससे मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आपके लिए सीधे बगैर डिनोमेट्रिकल सब्सिटन के लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं सब्सिट्यूट तो जो आपको एक रूल्स लिखवाए गए थे पिछली बार इनवर्स डिनोमेट्री में कि हम क्या लेट करते हैं जब भी आएगा टू एक्स अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो लेंगे एक्स को टेन थीटा राइट थोड़ा उसको रिव्यू कीजिए पुराने फार्मूलेस को जो हमने इनवर्स में पढ़े थे एक्स इक्वल टू तो टें थीटा सो इनवर्स टू टें थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये जो फार्मूला है ये है साइन टू थीटा का साइनवर्स साइन टू थीटा ये टीनोमेट्री है देखिए इसमें हम इनवर्स फंक्शन लगा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा रहे हैं और साथ में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन एक साथ तीन दिन टॉपिक्स कवर हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन में ओके तो साइन वर्स साइन होगा एलिमिनेट आएगा टू थीटा सो टू वट इज थीटा थीटा इक्वल्स टू टेन वर्स एक्स थीटा इक्वल्स टू थीटा क्या है थीटा है इनवर्स ऑफ एक्स ठीक है सो टू टेन वर्स एक्स सीधा क्या डिफ्रेंशिएशन इक्वल्स टू टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर सिंपल क्वेश्चन है uh, अब आप uh, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए अभी क्वेश्चन uh, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो सेम एक्स को लेंगे हम टेन थीटा एक्स को लिया हमने है टेन थीटा तो वाई हो गया कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ठीक है सो वाई इक्वल टू और ये सीधा फार्मूला भी था अगर आप थोड़ा इसको यहाँ से ध्यान दे, से देखें ऊपर क्वेश्चन में तो सीधा इस फार्मूले को हमने अप्लाई किया था टू टू इनवर्स एक्स में ये भी हमें सीधा फार्मूला पढ़ा हुआ है तो सीधा उसको भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन यहाँ हमने उसको एक्सप्लेन किया कि यहाँ से यहाँ तक हम कैसे पहुँचे थे सेम तो कॉस इनवर्स कॉस हमला किसका है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमला है कॉस टू थीटा काम वाईक्वल्स टू टू थीटा इक्वल्स टू टू वर्स थीटा टेन इनवर्स एक्स तो सीधा यहाँ पर डीवाई बाय डी एक्स बन गया टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर फिर से ये हमारा आंसर ठीक है, है? सीधे हम कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर को ये सब आ, इसको हटा के सीधा फार्मूला अप्लाई कर सकते थे टू इनवर्स एक्स और इससे सीधा फार्मूला बनता है तो अगर आपको फार्मूला सारे याद है तो आप सीधे भी अप्लाई कर सकते हैं अदरवाइज यहाँ इस प्रकार से लेट करके सॉल्व कर सकते हैं ओके okay. सो so, अभी इतना ही uh, अगले वीडियो में हम लोग और इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू थैंक यू वेरी मच